यही पिटाए पक्ष भी हम नहीं हटाए किसान भगत सिंह फिर कमजोर थे लागे मोदी जी भरी तो बकड़ा हम दिल्ली आए दिल्ली मोदी जी भरी तो बकड़ा हम दिल्ली यही पिटाए हम नहीं हटाए किसान भगत सिंह फिर कमजोर थे लागे मोदी जी भरी तो बकड़ा हम दिल्ली आए दिल्ली मोदी जी भरी तो बकड़ा हम दिल्ली थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल पाछोगे मोदी यानी कि कोई मार्केज नहीं हो धर्म का रिश्ता भी बड़ा है जो आकार मेरा है तो आप पधारे सामने मैं स्वागत करता हूं श्री ठीक है होगी दुनिया सारी अंता पायो होया भिखारी अंता पायो होया भिखारी होगी दुनिया सारी अंता पायो होया मेला है अगले वर्ष और परवान चढ़ेगा उससे अगले वर्ष और परवान चढ़ेगा और वो दिन भी आएगा जब यहां से लेके अंतिम छोर तक आपको व्यक्तियों के सिर सिर दिखाई देंगे मेरा वादा है तो आप सब लोग होली के शुभ अवसर पर इस प्यारे से सर में ये सबसे प्राचीन श्याम बाबा का मंदिर है और हम सब लोगों ने तय किया कि बाबा के फागोत्सव के समय हम लोग शुरुआत करें इस मेले की किसान मेले का आयोजन बड़े किसान मेले का आयोजन आपने देखा होगा कि ग्रामीण स्तर पर इतने बड़े बड़े झूले इतने बड़े बड़े कलाकार लगातार 13 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा बहुत सारी योजनाएं जो प्रधान जी ने अपनी दिनेश जो मेरे छोटे भाई हैं दिनेश हुंडा जी इन्होंने अभी मंच से सारी घोषणाएं की कि क्या 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 इसमें मिलने वाला फायदा हम लोगों को हमारे इसमें एक पंथ दो काज वाली स्थिति है कि मेला का भी आयोजन हो किसान मेले का भी आयोजन हो और जो सरकार के द्वारा जो किसानों के प्रति या आम आदमी के प्रति जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार हम लोग इस मेले के माध्यम से करेंगे हजारों की संख्या के अंदर लोग 13 दिनों के अंदर यहाँ पे आएंगे और मैं जहां तक समझता हूं कि आज शुरुआत हमने अजय हुड्डा जी जो किसान प्रेमी भी हैं किसान आंदोलन के अंदर भी उन्होंने बहुत अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उन्होंने भी आज यहां पे आगाज किया है समय उनका थोड़ा कम था क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम उनके गुड़गांव में थे लेकिन चलो जितना भी समय उन्होंने दिया बीच बीच के अंदर काफी कलाकार यहां पे आएंगे बल्ली मोहनवाड़ी पूजा डोटासरा रंग रसिया कवि सम्मेलन कालबेलिया चरई नृत्य और 6 तारीख को हम सोच रहे हैं कि बड़े आर्टिस्ट जो नाम एक दो दिन में हम लोग अनाउंस करेंगे एक बड़ा आर्टिस्ट रहेंगे क्योंकि 7 तारीख को
छह को बड़ा कार्यक्रम होगा, 6 तारीख को समापन है उस दिन नेता दादा का, उस दिन मेला है, भव्य मेला, तो उस दिन हम समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये समय रखेंगे ताकि क्या सब लोग अपने काम वाम से निवृत्त होके और 6 से 9 यानी 3 घंटे आराम से मनोरंजन कर सके। तो एक बड़े आर्टिस्ट को हम लोग 6 तारीख को फिर नवलगढ़ की जनता से रूबरू कराएंगे। मैं जहां तक समझता हूं कि लोगों में जिस प्रकार से उत्साह है, हमारे तोगड़ा ग्राम पंचायत केंद्र आता है देलसर बाबा का ये भव्य मंदिर, तो हमारे सरपंच निशा संजीव कुमार, आसपास के सभी पंचायतों के, चाहे उराना सर हो, चाहे जेजू सर हो, कुमास हो, निवाई हो, डोमरा हो, सब लोग, आसपास के सभी लोग जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारे कार्यकर्ता दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए। बाबा श्याम की बहुत बड़ी मेहरबानी है और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे नवलगढ़ पे किसी की नजर नहीं लगे, नवलगढ़ हमेशा तरक्की के रास्ते पे चले, चाहे नवलगढ़ हो, मेरा जिला हो, चाहे मेरा प्रदेश हो या देश, हमारा हिंदुस्तान हमेशा तरक्की के रास्ते पे रहे, सब लोग भाईचारे से रहे। होली का ये रंगों का त्यौहार है, ये त्यौहार हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए, इतने रंग भर दे खुशियों के कि कभी उनको तकलीफ से सामना नहीं करना पड़े, ये मेरी बाबा श्याम से प्रार्थना। योजना तनपत है कि अति जबरदस्त योजना है कि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख रुपया ये बजट का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिया।